हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अनुराधा राजत्यागी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु गाइड, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज है नंबर 4 का वार, नंबर 4 का वार आज यही हमारा टॉपिक है और इसी को ही हम आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। वेनेसडे एंड सैटरडे को मेरे वीडियोस आते हैं, आप उन्हें एंजॉय करें। चलिए बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 वाले होते कौन है, जो किसी भी मंथ की 4th, 13th, 22nd या 31st को बॉर्न होते हैं, वो सब नंबर 4 वाले हैं। और नंबर 4 का रूलिंग प्लैनेट राहु है। डरो मत, राहु से डरना नहीं है, राहु को समझने की कोशिश करो। बस थोड़ा सा ये है कि 4 नंबर वाले जो है वो ये 4 नंबर जो है वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड नंबर है, लोग इनको समझते नहीं, इसलिए बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब राहु हमें देता है ना, तो बिल्कुल रंग से राजा बना देता है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगी सभी नंबर्स अच्छे हैं, 1 to 9। किसी के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और किसी नंबर के कुछ हैं, तो हमें तो सभी चाहिए लाइफ में। तो राहु के भी अपने अलग ही एट्रीब्यूट्स हैं, उन्हें एंजॉय करिए। चलिए मैं बात करती हूँ कि कैसे होते हैं 4 नंबर वाले। 4 नंबर वाले बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, डिसिप्लिन वाले होते हैं और सीक्रेटिव भी होते हैं। अगर आपने उनको कोई बात बता दी है तो वो आगे उसको पास ऑन नहीं करेंगे, अपने पास ही रखेंगे। कुछ इस तरह के 4 नंबर वाले होते हैं। एनर्जेटिक होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और इनमें लीडरशिप स्किल्स जो है वो बहुत अच्छे से होती हैं। किसी भी काम को लीड करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं, थकते नहीं हैं, एनर्जेटिक होते हैं ना इसलिए, और हर काम को ना बड़े दिल से करते हैं। इनको ये पता है कि हमको मेहनत से ही मिलेगा। सिंपल होते हैं ये, काइंड हार्टेड होते हैं। आपने अगर रॉबिन हुड का नाम सुना होगा तो कहीं ना कहीं ये 4 नंबर वाले उस तरह से होते हैं, अमीरों से लेकर गरीबों को देते हैं। इनको दूसरों को मतलब दान पुण्य करना, हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। और अगर ये लोग दिल से करते हैं यही चीजें बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, तो वो इनके सक्सेस भी कराता है। बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, क्योंकि सीक्रेटिव होते हैं ना, तो बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। लॉयल होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन वाले होते हैं, लेकिन दूसरों के अगर दूसरे कोई रूल्स तोड़ेंगे तो वो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, खुद तोड़ देते हैं। जिस तरह के होते हैं नंबर 4 में। अब इनकी कुछ वीकनेसेस बताती हूँ मैं। रिबेलियस होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि कहीं पर भी कोई मोर्चा उठा है या कहीं पे कुछ क्रांतिकारी है, उसमें 4 नंबर वाले जरूर होंगे, क्योंकि गलत बातें इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। थोड़ी सी इनकी वीकनेस ये भी होती है कि दूसरों से एडवाइस लेना इनको अच्छा नहीं लगता। फैमिली बहुत पसंद होती है, फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनको अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इनके राहु जो है ना वो हेड है, तो इनके जो माइंड है वो बहुत फास्ट है, वो पूरा टाइम काम करता रहता है, तो इसलिए ये अकेले में बैठ के मंथन करना वो इनको अच्छा लगता है, सोचते रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोग 4 नंबर वाले ज़्यादा आपको रिसर्च में भी मिलेंगे,
अब मैं बात करती हूँ जो किसी भी मंथ की फोर्थ को बॉर्न हुए हैं, ग्रेट ऑर्गेनाइजर होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, नंबर फोर वाले जो किसी भी मंथ की फोर्थ को बॉर्न, उनकी बात कर रही हूँ सिर्फ मैं। और ये लोग बैंक में, बैंक जॉब इनके लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंसिस का जॉब बहुत अच्छा है और रिसर्च का जॉब भी इनके लिए अच्छा है, टीचिंग जॉब भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी होते हैं और पॉलिटिशियंस भी होते हैं फोर नंबर। अब बात करती हूँ 13 नंबर जो किसी भी मंथ की 13th को बॉर्न हुए हैं। 13th नंबर वाले लोग कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद सेट करते हैं। किसी भी बिजनेस में होंगे या जॉब में होंगे तो अपने रूल्स और रेगुलेशन खुद बनाएंगे। अब जो किसी भी मंथ की 22nd को बॉर्न हुए हैं उनकी बात करते हैं। पहले तो ये बता दूं 22nd नंबर जो है मास्टर नंबर है। हमारे न्यूमरोलॉजी में 3 मास्टर नंबर्स हैं, 11, 22nd एंड 33। तो 22 भी उसमें से एक मास्टर नंबर है और ये हीलर नंबर भी कहते हैं इसको। ये लोग बड़े अच्छे हीलर्स होते हैं 22 नंबर वाले, तो आपको ये मेडिकल्स में मिलेंगे ज्यादातर। पिछले जन्म के कुछ इनके ऐसे कर्म है कि इनको 4 नंबर मिला है, तो अगर ये दूसरों को हील करेंगे किसी ना किसी वे में, अगर ये दूसरों को हील करेंगे ऑकल्ट साइंस से, टीचिंग से, मेडिकल साइंस में, कैसे भी ये हील करेंगे तो इनको सक्सेस में जरूर, इनके सक्सेस में इम्प्रूवमेंट होगा। अब बात करते हैं 31, किसी भी मंथ की 31 को जो बॉर्न हुए हैं वो भी 4 नंबर से रूल होते हैं। ये एक 4 में भी ये अच्छा नंबर है क्योंकि इसमें जुपिटर भी है और सन भी है, जुपिटर एंड सन का जो है कॉम्बिनेशन, इनमें जुपिटर के भी करेक्टरिस्टिक्स होंगे और सन के भी होंगे, तो ये एक लकी नंबर है, अच्छा नंबर है। इनकी लाइफ 31 वालों की लाइफ जो है स्मूथ होती है, इजी होती है। अब इनकी हेल्थ की बात करते हैं 4th नंबर वालों के। 4th नंबर वालों को ज़्यादातर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं। एक्चुअली में क्या होता है, इनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जो हेड है उसके नीचे नीचे की प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादातर। इनकी कंसीव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है इनको, इनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, इनको नी की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उन सब के लिए इनको जो है अपनी डाइट में अनियन, जिंजर जो है यूज़ करना चाहिए, आंवला यूज़ करना चाहिए, लेकिन गार्लिक को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और इनका सक्सेस सीक्रेट ये है 4 नंबर वालों का कि अगर ये अपना लकी कलर, लकी डेज यूज करेंगे और लकी नंबर्स एंड लकी डेट्स, लकी कलर्स, तो इनको सक्सेस मिलेगी। इनके लकी कलर्स जो हैं कोई भी कलर का लाइट शेड, बस इनको अवॉइड जो करना है वो रेड कलर और ब्लैक कलर वो अवॉइड करें। अदरवाइज आप कोई भी लाइट ब्लू कलर, लाइट ग्रीन, लाइट येलो, वाइट, ऑफ वाइट, कोई भी लाइट शेड्स पहन सकते हैं, वो आपके लिए अच्छी रहेंगे। और लकी डेट्स में 1, 5, 6 एंड 7 नंबर, ये इनके लकी हैं। लेकिन अपना कोई भी काम जब ये करें तो 5th, 6th या 1st को करें, 7th को नहीं करें। और इनका दूसरा सक्सेस सीक्रेट है कि इनको मेडिटेशन एंड योगा
जरूर करनी चाहिए और वॉक भी करनी चाहिए, क्योंकि इनको कोई भी काम, इनके जो है कोई भी सक्सेस किसी भी काम में आसानी से नहीं मिलती है, मेहनत से ही मिलती है। तो इसलिए ये इनकी रेमेडी है कि स्वेटिंग तो इन्हें करना ही पड़ेगा। तो आप जिम जाइए, वॉक करिए, योगा करिए और मेडिटेशन जो है आपके इनर पीस के लिए है, तो वो भी आप जरूर करें। ये आपका एक सक्सेस सीक्रेट है। और इनको जो है पूजा माँ दुर्गा की और शिव आराधना जरूर करनी चाहिए। और फोर नंबर को एंजॉय कीजिए, फोर नंबर बहुत अच्छा नंबर है, उसको एंजॉय करिए, डरने की कोई बात नहीं है। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नंबर 7 के साथ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अनुराधा राजदेव का आप लोगों को प्यार भरा।